हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होगे, स्वस्थ होगे, एंजॉय करोगे लाइफ को। तो लेट्स स्टार्ट दिस। ये वीडियो होने वाली है बहुत खास, अनबॉक्सिंग तो है ही है, बॉक्सिंग के साथ साथ ये एक रिव्यू वीडियो भी रहेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले दो सनग्लास का रिव्यू कर रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो। ये भी सनग्लास है, टेट स्मिथ का सनग्लास है। तो टेट स्मिथ का ये मैंने दूसरा सनग्लास मंगवाया, पहले वाला रिटर्न कर दिया था, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, जो इससे पहले बनी है वीडियो। और अभी मैंने टेट स्मिथ का एक और चश्मा मंगवाया है। थोड़ा साइज़ का मुझे वो उसमें फ़र्क पड़ रहा था, तो थोड़ा सा बड़े साइज़ में होगा, होपफुली अच्छा हो और रिटर्न करने की नौबत ना आए। इसके साथ साथ मैं रियो रैबिट का भी चश्मा जो मैंने मंगवाया, उसका भी अनबॉक्स और रिव्यू दे रखा है मैंने आपको इसी चैनल में, वो भी आप देख सकते हो। बट इस वीडियो में भी मैं रियो रैबिट और टेट स्मिथ के ये दोनों चश्मे को कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है, किसकी क्वालिटी, किसका डिज़ाइन, किसका पाउच, क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है, सब इस वीडियो में कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देख ली है इसकी क्वालिटी और वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको इसको पहन के दिखाता हूँ कि ये लगता कैसे है। हाँ, सो इसका जो फ्रेम है ना, दिल आ गया जनरली। वाह भाई, जो भी बोलो, इसका फ्रेम बहुत ही अच्छा आया है और अच्छा लग रहा है यार इसका फ्रेम, अगर आप देख सकते हो। ये ब्लू में आया था, लेकिन ये ब्लैक एंड थोड़ा सा टेंट टाइप का है। ब्लू लिखा हुआ था, लेकिन ब्लू की जगह ये थोड़ा सा ब्लैकिश फेड आउट कलर में आया है। तो आई होप आपको पहना हुआ ये अच्छा लगा हो। अब फटाफट से इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। यार देखो, क्वालिटी के मामले में ये अभी भी बहुत पीछे है रियो रैबिट से। अभी मैं आपको रियो रैबिट का चश्मा भी दिखा देता हूँ। तो ये जो है ना, इसका ग्लास ना, ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम तक की क्वालिटी फील हो रही है कि इतनी अच्छी क्वालिटी का फ्रेम नहीं है। टेट्स में लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, लेकिन क्वालिटी इतनी नहीं है। ये जो गोल्ड है ना, ये ऐसा लग रहा है बस ऐसे ही लगा दिया गया है। गोल्ड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी वाइज तो बहुत ही बेकार है, इसका फील हो रहा है। पहना हुआ अच्छा लग रहा है, क्लासी लग रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा कि क्वालिटी किसी को मैटर नहीं करता। जब आप उतार के इसको रखोगे ना, तो उस क्वालिटी मैटर करती है। और यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो ये जो गोल्ड है ना, यहाँ से इसके हिंजेस भी बहुत ही कम क्वालिटी का लग रहा है। और देखो, थोड़ा सा लूज़ भी हो गया, ये देख सकते हो, थोड़ा सा गैप आ गया। तो पहले ये बहुत पतला था, जैसे मैंने इसको वियर किया ना, तो देखो मेरी शेप के हिसाब से ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है। अब मुझे ये लगता है कि ये कुछ टाइम के बाद ये टूट जाएगा, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और 1000 रुपये के हिसाब से, तो यार 1000 रुपये का है ये, शायद मैं बताना भूल गया था। तो ये मेरे को 1012 रुपये का पड़ा है, 1012 रुपये का, अमेज़ॉन से मंगवाया था। आप कहीं से भी मंगवा सकते हो, अमेज़ॉन पे रिटर्न इजीली अवेलेबल हो जाता है, नाइका से तो बेटर ही रहेगा। और क्वालिटी वाइज यार मेरे को पसंद सा नहीं आ रहा क्वालिटी में। बाकी यार लुक एंड फील तो बहुत ही अच्छा है इसका, लुक एंड फील बहुत ही अच्छा है। तो अब आपको रियो रैबिट का भी दिखा देता हूँ। तो क्वालिटी दिखाने के लिए, समझाने के लिए, और दोनों में से कौन सा चश्मा सबसे अच्छा है रिकमेंडेशन के हिसाब से भी, मैंने दोनों चश्मे आपके सामने रख दिए हैं। अब नो डाउट ये वाला जो फ्रेम है ना, ये मतलब वैसे तो इसका फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है लुक वाइज, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ना इसका यार ये कितना ज़बरदस्त है क्वालिटी यार, अभी भी पकड़ के एक हाथ से ऐसे पकड़ के लग रहा है यार इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है रियो रैबिट की, और बहुत अच्छा लुक देगा यार इसका। देखो ये यहाँ से पतला सा जा रहा है, तो क्वालिटी टॉप क्लास है, कहीं से ये लोकल नहीं लग रहा, 100 रुपये वाला नहीं लग रहा,
लेकिन अगर आप आ जाओगे टेड स्मिथ पे, यार क्या है यार, ये जेन्युइनली इतना घटिया मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया गया है। एक तो गोल्डन कुछ ज़्यादा ही गोल्डन लग रहा है मेरे हिसाब से, फ्रेम अच्छा है, फ्रेम का कलर बहुत अच्छा है, लेकिन क्वालिटी, जो मटेरियल की क्वालिटी है वो इतनी घटिया है ना। देखो आपको दिख रहा होगा कितना लूज़ हो गया, ये अभी वन टाइम ही पहना है और ये यहाँ से ना थोड़ा सा लूज़ हो गया है। तो यार फिर से डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं टेड स्मिथ के क्वालिटी से। इन्होंने क्वालिटी ना चश्मे में दिया है, ना कि उसमें। तो इनका जो है ना ये कपड़े से बना हुआ है, प्रोटेक्शन ज़रूर है, प्रोटेक्शन दी हुई है, लेकिन इसका जो टच एंड फील है वो थोड़ा सा चीप क्वालिटी का लगता है। रियो रैबिट के बॉक्स की बात कर रहा हूँ, पाउच की, तो रियो रैबिट के बट चश्मे में ऐसा लगता है कि ये कम से कम आराम से मेरे हिसाब से 1,000-5,000 रुपये का चश्मा होगा, इसको पकड़ के ही लगता है। एंड इसको लगता है कि ये हमने फड़ियों से लिया है, सरोजनी नगर से लिया है, ये वो वाली क्वालिटी का चश्मा है। तो चश्मे की क्वालिटी बहुत ही चीप और थर्ड क्लास क्वालिटी है, पहना हुआ भी चीप शायद लग सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी इसकी पाउच की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है, टेड स्मिथ लिखा हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यार आप पाउच की क्वालिटी का क्या करोगे अगर चश्मा ही इतना घटिया क्वालिटी का देंगे तो। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी यार, आप अगर सेम ही मॉडल रियो रैबिट पे मिलता है, आप रियो रैबिट से लो, ठीक है। ये पाउच वाउच का कुछ नहीं करने का, पाउच में उसमें भी प्रोटेक्शन उतनी है, बस टच एंड फील उसका अच्छा नहीं है। बाकी ठीक है, आप देख लो, आप दूसरा कोई पाउच खरीद के भी फैशन बढ़ा सकते हो, बट यार इसकी क्वालिटी बहुत चीप है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप 1,000 रुपये खर्च करके इसका टेड स्मिथ का लो, इससे अच्छा आप रियो रैबिट पे जाओ। एक बार रियो रैबिट को पहन के, अभी मैंने रियो रैबिट का चश्मा पहन लिया, यार टॉप क्लास लगता है, अमेजिंग लगता है, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ऐसे उतार लो, जल्दबाजी में उतार लो, इसकी क्वालिटी का घंटा कुछ नहीं होगा। लाइव दिखा रहा हूँ इसको नीचे रख के। अब आपको टेड स्मिथ का इतना डेलिकेट सा लग रहा है ना, ये देखो यहाँ से कितना लूज़ हो गया है, राइट। और इसको पहनने में भी, भाई पहनने में तो बहुत तगड़ा लग रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही चीप है। फटाफट में आपने उतारा और इसकी ये साइड के हिंजेस टूट जाएंगे, बहुत आसानी से टूट जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप रियो रैबिट के साथ जाओ या फिर वॉइस के साथ जाओ। वॉइस का चश्मा मैं शायद अब मंगवा ही लूँगा, बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं। ये टेड स्मिथ के दो चश्मे मंगवा के रिग्रेट कर रहा हूँ, दोनों के दोनों ही बकवास निकले हैं क्वालिटी वाइज। डिज़ाइन वाइज तो ऑफकोर्स अच्छा ही था, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही चीप और बहुत ही घटिया था यार। अगर आप टेड स्मिथ वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई आपसे छोटे ब्रांड्स हैं जैसे रियो रैबिट है, पहले उसकी भी क्वालिटी बेकार थी, लेकिन अब क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी है। तो यार हम जैसे बंदों के लिए तो यार क्वालिटी मैटर करती है, स्टाइल नहीं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉइस का चश्मा आने वाला है नेक्स्ट, और प्लस बहुत सारे कपड़ों की रिव्यू वीडियो होने वाली है, और बताऊंगा मैं कहाँ से अपने नए कपड़े ख़रीदने वाला हूँ। एक आने वाली कुछ एक बड़ी ट्रिप पे प्लान कर रहा हूँ मैं कपड़े और ये सारे चश्मे, इसलिए आपको लगातार ये अनबॉक्सिंग वीडियोस मिल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।